गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस स्टैंडर्ड 6। पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 एमसीक्यूज में आपको करा चुकी हूँ आज 2 and 5। अगला, व्हाइट स्किन माइनॉरिटी पॉपुलेशन गवर्न ओवर डार्क स्किन मेजोरिटी पॉपुलेशन इन साउथ अफ्रीका। अगला, व्हाइट स्किन माइनॉरिटी पॉपुलेशन यानी पहले जो गोरे लोग थे, व्हाइट स्किन पीपल थे, उनकी जो पॉपुलेशन माइनॉरिटी पॉपुलेशन थी वो भी डार्क स्किन पॉपुलेशन पर अपना शासन चला रही थी साउथ अफ्रीका में। सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? सेंटेंस ट्रू है। सेकंड, इन 1993 नेल्सन मंडेला सक्सेसफुली इन एस्टेब्लिशिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। 1994 में नेल्सन मंडेला ने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की थी, स्थापित की थी साउथ अफ्रीका में, वो उसको स्थापित करने में सफल हुए। सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है? ये आपका सेंटेंस ट्रू है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इज नॉट रिक्वायर्ड इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए यानी प्रजातांत्रिक शासन के लिए लोगों का पार्टिसिपेट होना यानी लोगों की भागीदारी जरूरी है या नहीं है? इसमें बता रहे हैं कि नहीं है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए लोगों की भागीदारी, वहाँ की पब्लिक की पॉपुलेशन की भागीदारी होना बहुत जरूरी है। सेंटेंस ट्रू नहीं है, फॉल्स है। पीपल कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। पीपल कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। एक डेमोक्रेटिक देश में लोग सरकार में का विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं, ये भी आपका सेंटेंस। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट एफर्ट्स बिटवीन कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कावेरी रिवर वाटर, जो कावेरी नदी के पानी का झगड़ा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो छोटे मोटा डिस्प्यूट हुआ था, वो ऐसा हुआ था या नहीं था, किन दो राज्यों के बीच में? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में हुआ था। बात सही है या गलत? सेंटेंस ट्रू है और फॉल्स है? ये भी आपका सेंटेंस ट्रू है। नाउ होमवर्क में आपको ये ट्रू फॉल्स नोट करने और डाउनलोड करने। ओके,